क्वार्टर फाइनल का आखिरी मुकाबला, इसके बाद सेमीफाइनल का मुकाबला होगा, तो क्वार्टर फाइनल का आखिरी मुकाबला होगा। तो दर्शक जो 3125 थे, और धीरे धीरे संख्या बढ़ती हुई काउंट कर कर हम एक बार फिर आपको बताएंगे कुछ ही क्षण में। लेकिन मैच स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें रिकॉर्डिंग भाई पिचेस कर रहे हो, रिकॉर्डिंग बहुत छोटू पिचेस कर रहे हो। रेफरी का निर्माण ध्यान से देखिएगा अनुप जी, और लाइनमैन लोग अलर्ट रहेंगे भैया, पप्पू और अमरजीत जी आप लोग एकदम अलर्ट रहिएगा और स्कोर बोर्ड पर है आओगा भैया अलर्ट रहिए एकदम, बॉल कहां कितना बताएं बताएं। और बहुत ही चतुराई भरी गई बंदूक से हम लोग के प्रिय अनुपुर के विकास और विशाल सिंह जी आ चुके हैं और 15 पॉइंट का फिक्स मैच दोनों टीमों के बीच, 15 पॉइंट का फिक्स मैच चल रहा है। दौलत नगर भरते छपरी है, तो सरी सगी दौलत नगर से और अच्छा डिफेंस छपरी के खिलाड़ी द्वारा फिर से उछाला गया है। अच्छा है, बहुत ही सुंदर जर्सी में धर्मेंद्र जी ने बहुत ही सुंदर हाथ और इस तरह चेंज होते हुए सर्विस और इस तरह बिस्कुट भी लग रहा है कि समाप्त होगा, दो योग बचा लगा है, अब एक बचाव के बार सुंदर, लेकिन फिर बच गए, खतरा हो सकता था लेकिन उसे अंत समय में संभाल लिया छपरी के खिलाड़ी ने और इस बार फिर से गेंद को उछाला है और बहुत ही अच्छा हैंड जो कि छपरी के खिलाड़ी उसे संभाल न सके और सर्विस चेंज कराने में सफलता मिली दौलत नगर को, जिसका स्कोर है 1 उसी के मुकाबले 0 पॉइंट में इजाफा हुआ, दूसरा पॉइंट दौलत नगर का जिसका पॉइंट है 2 और उसी के मुकाबले अभी खाता खोलना बाकी है छपरी को। तो छपरी भी एक मानी जानी टीम है लेकिन कम समय है क्योंकि 15 पॉइंट का ही मैच चल रहा है, इसलिए भाई नगर का 3 पॉइंट भैया 15 पॉइंट का एक मैच है, ठीक है 15 पॉइंट का है। ऐसा ना हो कि जब तक आपके खिलाड़ी रंग में आए तब तक मुकाबला हाथ से निकल चुका हो, काफी दूर जा चुका हो, इसलिए समय से और इस बार लेकिन अच्छा परिचय देते हुए खेल का और खुद बताए कि हैंड हो चुके हैं भाई, फर्स्ट टाइम आउट लेकिन भाई छपरी दादा जी ध्यान दीजिए फर्स्ट टाइम आउट समझ कर लेंगे लाइनमैन हो या रेफरी हो, क्योंकि टीमें भाई काफी मेहनत कर रही हैं, तो किसी के खिलाफ कभी डिसीजन गलत ना लिया जाए, इस चीज का ध्यान लिया जाएगा मगर पूरी कोशिश होगी खिलाड़ी के द्वारा। आपको सूचित किया जाता है कि इस प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल भोवापुर गाजीपुर और नेवादा मऊ के बीच खेला जाएगा, भोवापुर गाजीपुर और नेवादा मऊ के बीच पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा, दोनों टीमें तैयार रहेंगे। और टाइम आउट का फायदा मिलता हुआ छपरी को, छपरी ने 2 पॉइंट बना लिए हैं और दौलत नगर 4 और बहुत ही हल्का हाथ दिया था लेकिन रिसीव न कर पाए छपरी के खिलाड़ी, सर्विस चेंज होती हुई प्लेयर चेंज होता हुआ छपरी की टीम में बहुत ही सुंदर हाथ दिया था इस बार धर्मेंद्र ने, प्रागर के हाथों को झुका और गेंद आउट होती हुई सर्विस छपरी ओर से सर्विस दोनों ने कोर्ट में काउंटर अटैक और खेला गया, हाथ दिया इस बार बहुत ही सुंदर डिफेंस किया और किस बॉल को पार किया धर्मेंद्र, उसके बाद बॉल छपरी के कोर्ट में सुंदर डिफेंस उठा हुआ भाई काउंटर उठा और सुंदर हाथ देकर पॉइंट को बढ़ाया छपरी 3 और दौलत नगर 5, धीरे धीरे अपने रंग में आती हुई छपरी की टीम
छपरी दौलतनगर हम जिसकी बात कर रहे थे छपरी बाद में धीरे धीरे रंग में आता ही है वैसा ही देखने को मिला। अब एक बार पुनः रंग में आ चुके हैं छपरी के खिलाड़ी और पॉइंट नहीं जापा होता हुआ छपरी के द्वारा और जिसका स्कोर है 3 उसी के मुकाबले 5। इस बार अच्छा गेंद तो लेकिन अपने ही जाल में मारे बैठे जहाँ से निकलना चाहते थे वही पर पहुंचे गए और छपरी का बढ़ता हुआ स्कोर 4 दौलतनगर 5। सर्विस में जब पॉइंट में जाता होता हुआ इस बार अच्छी सर्विस फिर से उछाला है गेंद को। भैया किसी की टू व्हीलर जो है पुलिया के पास खड़ी थी जिसे वो चाबी लगा कर भूल गए थे, चाबी कमेटी के पास था जिसे लिखा गया आई लव यू, तो भैया आके बड़ा चाबी ले ले भैया आई लव यू के दीवाना के लिए। और अब सर्विस होगी दौलतनगर से जिसका पॉइंट है 5 उसी के मुकाबले 4। अच्छा गेंद और इस बार काफी लंबी और इस बार गेंद को अच्छा डिफेंस मिला दौलतनगर के खिलाड़ी द्वारा। इस बार अच्छा हैंड लेकिन हम डिसीजन आउट 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 मारे बैठे छपरी के खिलाड़ी। तो ध्यान दे खिलाड़ियों से ना पूछे भैया अपने हिसाब से रहते भैया आउट मार ले सर्विस होगी। इस बार अच्छा सर्विस और इस बार गेंद को उछाला है बहुत ही सुंदर और चेंज कराते हुए 4 और 6 छपरी 4 और दौलतनगर 6। 4 और 6 का मुकाबला चलता हुआ दौलतनगर वर्सेस छपरी। अब सर्विस होगी छपरी की तरफ से क्योंकि जितने अच्छे मैच होंगे उतने बाल दूर जाएंगे भैया। इसके बाद सेमीफाइनल में आउट हो जाएंगे फाइनल में आउट हो जाएंगे तो थोड़ा आप लोग एक्टिव रहे संख्या बढ़ाते रहे लाइन मैन की। और अब सर्विस होगी फिर एक बार छपरी की तरफ से जिसका स्कोर है 4 और उसी के मुकाबले 6। तो एक बार फिर से अच्छा डिफेंस अच्छा ब्लॉक छपरी के खिलाड़ी द्वारा और खतरा हो सकता है लेकिन संभालने की कोशिश लेकिन नाकाम रहे दौलतनगर के छपरी जिसका स्कोर है 5 उसी के मुकाबले 6। सर्विस होगी दौलत अरे अरे छपरी की तरफ से और बहुत सुंदर डिफेंस किया गया 4 नंबर द्वारा बैक काउंटर को हल्का हाथ दिया इस बार डिफेंस किया गया और ये चूक गए बराबर कर चुकी है छपरी जो कि अब एक बार पुनः से मैच प्रारंभ होता हुआ और सर्विस छपरी के द्वारा की गई लेकिन इस बार अच्छा है और बल राइट दी गई सर्विस चेंज कराने में सफलता मिली गलत जो भी डिसीजन लीजिए सोच समझ कर लीजिएगा ताकि किसी और अपने ही जाल में मार बैठे दौलतनगर के खिलाड़ी। तो सर्विस चेंज हो चुकी है छपरी को एक बार फिर से मौका और अच्छे सर्विस इस बार अच्छा डिफेंस मिला है तो चला गया और इस बार अच्छा डिफेंस लेकिन सेमीफाइनल खेलने के लिए भोवापुर गाजीपुर और नेवाड़ा मऊ भोवापुर गाजीपुर और नेवाड़ा मऊ के खिलाड़ी तैयार रहेंगे भैया किटअप करके और बहुत ही अच्छा डिफेंस और उसे और डिफेंस करने की कोशिश थी लेकिन 6-6 अभी भी 6-6 पर बराबरी का मुकाबला चलता हुआ और इस बार स्कोर है बताइए भाई 7-6 छपरी जिसका स्कोर है 7 उसी के मुकाबले दौलतनगर। एक बार पहली बार इस टूर्नामेंट में छपरी आगे निकलती हुई छपरी अब आगे निकलती हुई पॉइंट के मामले में और अच्छा ब्लॉक लेकिन और इस बार सर्विस होगी दौलतनगर से और अपने ही जाल में मार बैठे छपरी के खिलाड़ी और पॉइंट में इजाफा करा दिया फिर से स्कोर बराबर हो चुका है दोनों टीमों का 7-7 तो 15 पॉइंट का फिक्स मैच चल रहा है।